This is Rockwell Day 9. सब गाइस सबका स्वागत है मेंटल एक्सपर्ट जेफन में। तो फिर आज है अप्रैल डे 9 एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट डे 8 यानी जो वीडियो मैंने आज पोस्ट किया था टेक्निकली आप जब देख रहे हैं ये कल होएगा। मैंने कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं किया, मैंने लिटरली सबटाइटल्स डाले थे कि आई कुडंट पोस्ट द वीडियो एंड मैं अपना इंट्रो एंड आउट्रो प्ले किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मैं थोड़ा बीमार था, मेरा एक कान थोड़ा सा पेन कर रहा था कल या आई मीन लाइक आज सुबह। देन आई टुक सम मेडिसिन फॉर माई लेग पेन, नॉट लेग पेन। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अपने बर्थडे के दिन थोड़ा स्लिप हुआ था जिसके कारण मुझे थोड़ा सा स्प्रेन हुआ था, लेकिन वो स्प्रेन लाइक बहुत हर्ट कर रहा था एंड मेरा स्टमक भी पेन हो रहा था फॉर नो रीजन एट ऑल। सो आई कुडंट पोस्ट एनीथिंग बिकॉज मैं कुछ शूट नहीं कर पाया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट वंस अगेन, बट आज मैं लेके आया हूँ आपको एक नया वीडियो नया स्टाइल में। आई मीन स्टाइल सेम है बट आज का वीडियो डिफरेंट है बिकॉज आज का वीडियो है स्टोरी टाइम वीडियो ये। एंड आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो लाइक क्या ही बोलू मैं, लाइक मैं आपको डायरेक्टली बता देता लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। दिस थिंग, सो एक्चुअली अगर आपको नहीं पता तो मैं जब जस्ट लेट मी टर्न दिस ऑफ फर्स्ट। ओके सो अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं बता देता हूँ, जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ मैं अपने पूरे दरवाजे सब बंद कर देता हूँ, फैन ऑफ रहता है मेरा, पूरे डोर्स क्लोज रहते हैं, देर इज नो एयर सर्कुलेशन एट ऑल। एंड इन गर्मियों में मुझे लाइक ये सब कपड़े पहनने पड़ते हैं बिकॉज आई कांट जस्ट वेयर समथिंग लाइक बहुत ही क्या बोल लाइक थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। एज आजकल का टेम्परेचर लिटरली 35-38 डिग्रीज तक इंक्रीज है जिसके कारण पसीने बहुत ज्यादा बहते हैं एंड आई जस्ट गेट सो टायर्ड आफ्टर मेकिंग वीडियोज। सो मेरे बर्थडे में मेरी फैमिली ने वन ऑफ द गिफ्ट जो उन्होंने दिया है ये फैन है। आई रियली लव दिस सो मच, मैं इस फैन को यहाँ पर दूर रख देता हूँ एंड दिस इज सो साइलेंट। ये इसका स्पीड 1 है, आई नो इट साउंड्स लाइक थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा अभी, लेकिन मैं अगर इसे अपनी अलमारी के साइड रख दूं एंड थोड़ा सा स्पेस आए तो मुझे अभी भी पूरी तरह हवा मिल रही है एंड इट्स सो मच बेटर। सो थैंक्स अ लॉट टू माय फैमिली, आई रियली लव दिस गिफ्ट सो मच। नाउ बाकी जो गिफ्ट जो भी मुझे मिले थे उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आ रहा है। बट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, कल यानी 10th April इज माई बर्थडे अगेन बिकॉज स्थिति प्रकार मैं बॉर्न हुआ था श्री राम नवमी को एंड कल है श्री राम नवमी। सो जिसके कारण मैं दो बार बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, वन है मेरे लाइक बर्थ डेट पे 7th April एंड सेकेंड टाइम मैं सेलिब्रेट करता हूँ श्री राम नवमी पे। तो कल एक और स्पेशल वीडियो आएगा, आई मीन परसों टेक्निकली बिकॉज मैं 11th का अपलोड करूंगा वो वीडियो, लेकिन अभी आ जाते हैं इस वीडियो के बारे में बाकी चीजें बोल के। ओके सो स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो एक बार मेरे बकेट लिस्ट में थिंग्स टू डू बिफोर 16 इयर्स ओल्ड बिकॉज मैंने बोला था 16 होना मेरे बहुत डिफरेंट है वगैरह वगैरह। सो मैंने कुछ चीजें प्लान किए थे जो मैं 16 इयर्स होने से पहले कर पाऊँ, उनमें से एक चीज था स्नीक आउट। इफ यू डोंट नो दिस आई हैव नेवर क्या बोलूं, मैं कुछ भी गलत नहीं करता, आई एम अ गुड किड आई वुड लाइक टू से दैट एंड आई थिंक माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स वुड एग्री टू। मैं कभी भी अपने मम्मा पापा को बिना पूछे कुछ नहीं करता हूँ जिसके कारण मैंने आज तक कभी भी स्नीक आउट नहीं किया। स्नीक आउट यानी मैं बोल कहीं नहीं बोल रहा कि 1-2 किलोमीटर दूर जाएंगे, मैं लिटरली अपने ससुरारी के बाहर नहीं जाता था एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आई लव दैट सो मच। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड दे वॉन्ट से नो ऑल्सो, बट यू नो मुझे एक बार ना बिना उनको बताए कहीं पर जाना था, लिटरली कहीं पर भी, आई मीन वो बस क्या बोले एक इच्छा है, वो कभी मना भी नहीं करता अगर मैं बोलता। सो एक दिन आई टुक द डेयर, मेरे पास गूगल पे है अपना खुद के फोन में जिसमें मैं ये शूट कर रहा हूँ, सो मुझे पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। तो आई हैड इनफ डेयर, मैंने अपना फोन लिया और मैंने बोला मैं बस थोड़ा वॉकिंग करने जा रहा हूँ सोसाइटी में एंड देन मेरे क्या थोड़े ही दूर में एक शॉप होता है जहाँ पर यूजुअली हम ग्रोसरीज वगैरह वगैरह खरीदते हैं, तो मैंने सोचा मैं वहां जाऊंगा एक डायरी मिल्क खरीदूंगा और खा लूंगा। सो वो मेरा प्लान था, बट मैं जैसे नीचे उतरा
मेरा दिल इतना फास्ट बीट कर रहा था, लाइक मैं डर गया था, आई डोंट नो व्हाई। मैं 100 बार बाहर जा चुका हूँ अकेले, बट इस बार मैंने बोला नहीं था, मैंने अपने व्हाट्स इन माई फोन वीडियो में बोला था कि मैं Life360 नाम के एक ऐप यूज करता हूँ, जिससे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रैक कर सकता हूँ, जस्ट फॉर सेफ्टी, ताकि सब जान पाए कि मैं कहाँ पर हूँ या वो कहाँ पर है, सो दैट We know where we are. So, उसमें एक फीचर है बबल। अगर मैंने बबल फीचर को एक्टिवेट कर दिया तो फिर किसी को भी नहीं पता चलेगा मैंने कहाँ हूँ। तो मैं जैसे ही नीचे उतरा, मैंने बबल एक्टिवेट कर दिया, मैंने अपना GPS लोकेशन ऑफ कर दिया था ताकि कोई मुझे ट्रैक नहीं कर पाए, एंड मैं पूरा टाइम अपना सिर लिटरली ऐसे देख के जा रहा था ताकि मेरे फ्रेंड्स भी कोई ना देख ले मुझे। मेरा दिल इतना फास्ट बीट हो रहा था, मैं डायरेक्टली ग्रोसरी शॉप गया, इतना तेज मैं लिटरली भाग रहा था, रोड पे भाग रहा नहीं चाहिए, आई डोंट नो दैट, एंड मैं बस बहुत टेंशन में आ गया। मैंने डायरी मिल्क खाया, मेरे हाथ लिटरली काप, डायरी मिल्क खाया, यस डायरी मिल्क मैंने परचेस किया, लिटरली मेरे हाथ काप रहे थे, एंड मैंने उसका आधा डायरी मिल्क गिरा भी दिया, मैंने बस थोड़ा सा खा लिया, एंड देन तुरंत मैं लिटरली घर भागते हुए आया। मैंने लाइफ फीचर बबल फीचर ऑफ कर दिया था तुरंत घर आने के टाइम, ताकि सस्पिशियस ना हो, एंड उसके बाद लाइक मैं खुश भी था, लेकिन मुझसे लाइक क्या ही बोलूं, मुझे डर भी लग रहा था। बट मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, एज आई टोल्ड आई एम अ रियली गुड किड, मैंने स्नीक आउट होने की परमिशन ली। मैंने 1 मंथ पहले अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि मैं 1 मंथ बाद 16 मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले स्नीक आउट करूंगा, यानी बाहर जाऊंगा उन्हें बिना बोले। सो आई गेस उनको पहले ही मैंने परमिशन ले ली थी, आई मीन आई नो बहुत वियर्ड है कि मैंने उनसे पहले से परमिशन ली थी कि मैं बिना बोले उनसे बाहर जाओ, बट सच्ची में मैंने तुरंत लाइक घर आया, 1 घंटे बाद मैंने उनको तुरंत बोल दिया कि मैं ऐसे बिना बोले गया। यू नो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, वो बस हंसे थे, आई मीन देवर सो लाइक चिल विद इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मैं लाइक बिना परमिशन लिए भी नहीं चाहता ना, वो कुछ नहीं बोलते, उन्होंने बोला कि ठीक है ओके, एंड लिटरली यार मैं सच्ची में पता नहीं क्यों टेंस था, बट या दैट वॉज माई स्नीक आउट स्टोरी, बट दैट लिटरली गॉट माई हार्ट रेसिंग। ओके सो आई गेस दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, आई नो दिस इज रियली फनी बिकॉज मैंने परमिशन लिया स्नीक आउट करने के लिए, सो या एंड दिस लिटरली हैपेंड लेस देन 10 days ago, यस। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।